आज हमने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उसका डिजाइन किया है, तो आप देखिए इसको और सीखिए इससे और इसका डिजाइन कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये हमने एकदम फुल रेंडरिंग किया है इसका, हर एक चीज का अच्छे से, कैसे क्या स्ट्रक्चर ऐड करना है, कैसे क्या क्या करना है इसमें, सारा कुछ। तो इसको देख के आप सीख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक प्लेन लेना है, फिर टॉप प्लेन के रेफरेंस में फीचर में जाके रेफरेंस में प्लेन, कितना दो प्लेन, कितना 35 पे हम दो प्लेन लेंगे, ठीक। इसको करेंगे यहाँ से ओके। अब जो हमारा बेस प्लेन है उसमें हम कुछ डिजाइन ड्रॉ करेंगे पहले, इसको स्केच, ठीक नॉर्मल। अच्छा अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 300 डायमीटर का एक सर्कल लेना है, 300, एग्जिट। अब जो हमारा सेकेंड प्लेन है फिर उसमें 250 डायमीटर का एक सर्कल लेना है, एग्जिट। अब जो हमारा थर्ड प्लेन है उसमें एक सर्कल ले रहे हैं, ये होगा हमारा 200 डायमीटर का, ठीक ना, ठीक एग्जिट। अब अपने को क्या करना है, पिक्चर में आना है, लॉफ्टेड बॉस बेस, इसको 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 ओके। अब जो ये वाला सतह फेस है ना, इस फेस के ऊपर में फिर से एक प्लेन लेना है, प्लेन लिया यहाँ से, कितना 45 पे, ठीक। अब इस प्लेन को और इस प्लेन पे एक डिजाइन ड्रॉ करना होगा अपने को, स्केच। ये हो गया आपको 100 डायमीटर का एक सर्कल, ठीक। और जो नीचे वाला है इस फेस को सिंपल सा कुछ नहीं, फीचर में स्केच में जाके कन्वर्ट इंक्रीज कर देना है इसको, ओके सर्कल एग्जिट। फिर से लॉफ्टेड बॉस बेस में आना है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, सॉरी इसको किया, इसको किया, बराबर हो गया, ठीक है। इसमें अब अपने को क्या है ना, इसका वो बनाना है, यहाँ से जो साइड से ऊपर का जो ग्लोब है उसको पकड़ के रखता है ना, वो बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, सिंपल सा फ्रंट प्लेन में आना पड़ेगा, फ्रंट प्लेन में आकर नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करके स्केच में जाके स्केच, ठीक। अब अपने को क्या करना है, 3.8 लेना है इसके बेस पॉइंट, यहां से यहां तक, ठीक। इसका डायमीटर होगा आपको 500 mm, सॉरी रेडियस 500 mm, और इसका लेंथ होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 600 mm, ठीक। अच्छा उसके बाद हो गया अपना, हाँ इसके रेफरेंस में एक ऑफसेट लेंगे 5 mm का, हाँ ठीक है। फिर से 3.8 लेना है आपने को, और यहां से ऐसे थोड़ा सा डाउन जाके, हाँ इस तरह से, ठीक ना। इसका डायमीटर होगा आपको 10, सॉरी रेडियस 10 mm। उसके बाद इसी पॉइंट से एक और ऑफसेट लेंगे हम अप साइड में, ये जो देखिए यहाँ पे क्या ना सेलेक्ट चेन लिखा हुआ है, जैसे सेलेक्ट चेन करेंगे तो अपना ये नीचे वाला भी लेगा, तो अगर इसको हम रिमूव करते हैं तो सिर्फ वो आएगा और रिवर्स कर देंगे इसको, ठीक ना, ऊपर का आ गया। अब कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपल सा यहां से इसको मैच कर देना है, हो गया इधर। और नीचे में इसको, सॉरी अपने को ये वाला जो है ना इसको कन्वर्ट इंक्रीज कर देंगे, तो एक लाइन मिल जाएगा अपने को, और यहां से ऐसे, ठीक। अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या है, ये एक्स्ट्रा ओवर डिफाइन हो गया, इसको सिंपल सा क्वेश्चन डिलीट कर दें यहाँ से, हो गया अपना ये पॉइंट, ठीक ना। अब इसको सिंपल सा एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कैसे, कितना करना है, फीचर में आना है बॉस बेस,
इसको जाके मिड प्लेन करेंगे और ये होगा आपको 7 या 10 भी ठीक है, 10 रख दो आप अपने मन से, ठीक ना, इस तरह से। ठीक, अब अपने को क्या करना है, फिर इसी 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 के रेफरेंस में दो और बनाना है ऐसा ही, एक इधर एक इधर। ठीक, तो क्या करना है, अपने को प्लेन लेना पड़ेगा, प्लेन लिया, इससे कितना 4, 4 5 9 mm, सॉरी 9 mm। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा अपने को, फिर से ये प्लेन लेके स्केच में जाके स्केच किया, और कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट एंटिटी में जाके इस फेस को सिलेक्ट कर देना है, हो गया। यहां से एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद फीचर में आना है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, फिर वही सेम मिड प्लेन से 10 mm का वो मार देना है अपने को, बॉस का मतलब एक्सट्रूड कर देना है, हो गया। और अब सेम यही चीज इस साइड भी होगा, तो अपने को फिर से प्लेन लेना पड़ेगा कहाँ, यहाँ, और इसके अगेंस्ट में मतलब 9 mm डिफरेंस पे। ठीक है, और इस प्लेन को फिर से सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाना है, स्केच। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, फिर से वही कन्वर्ट एंट्रीज करेंगे, इस फ्लैश को सिलेक्ट करना है, ओके, फिर से एग्जिट फीचर बॉस बेस आ गया 3। अब अपने को ये 3 निकल के आ गया है, अब जो जितना ये रिफरेंस प्लेन है ना, इस सब को हम क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं कुछ देर के लिए। ठीक ना, अब अपन क्या करेंगे, इसको पैटर्न कर देंगे 3 जगह, सर्कुलर पैटर्न, इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्शन में, सॉरी डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट करना है, राइट, हाँ, और फीचर में ये रहा 1 2 3, अपने को 5 नहीं, अपने को कितना चाहिए, 3 चाहिए, ये 3 इस तरह से, ओके कर देंगे, तो आप ये देख सकते हो। ठीक ना, अच्छा, अभी आप देखोगे कि उसमें क्या है ना, यहाँ पे एक राउंड होता है, यहाँ भी एक राउंड होता है, यहाँ भी एक राउंड होता है, मतलब एक छोटा सा पाइप की तरह राउंड होता है, तो उसको करने के लिए कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपल सा राइट प्लेन लेना है, और राइट प्लेन लेके स्केच में आना है, स्केच। ठीक, उसके बाद एक सर्कल लेना है यहाँ पे, इसका डायमीटर होगा 10 mm। ठीक ना, और उसके बाद अपने को इसको सिलेक्ट करना है, स्केच। ठीक, और क्या करना है, फिर इसको कन्वर्ट एंटिटीज कर देना है इस फेस को। ठीक है, ओके ओके, आने के बाद अपन फीचर में जाएंगे और स्विफ्ट बॉस बेस। ये हो गया हमारा स्केच प्रोफाइल, और ये हो गया उसका आपको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन, ओके। फिर सेम इसी तरह इसमें भी राइट प्लेन, स्केच, नॉर्मल। ठीक, इसका डायमीटर हो जाएगा 10 mm। फिर यहां से एग्जिट, एग्जिट होने के बाद इसको सिलेक्ट करने, ये वाला प्लेन कौन सा था अपना, सेकंड प्लेन। ठीक है, इस पे स्केच, स्केच करने के बाद कन्वर्ट एंटिटीज, अगर हमारा कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम इस प्लेन के अगेंस्ट में एक सर्कल सर्कल ड्रॉ कर देंगे, यहां से लेके यहां तक। ठीक ना, ओके, यहां से एग्जिट, एग्जिट होने के बाद सिंपल सा फीचर में आना है, वही स्विफ्ट बॉस बेस, डायरेक्शन ये रहा अपना, और प्रोफाइल ये रहा, सॉरी प्रोफाइल ये रहा, डायरेक्शन नीचे वाला, हो गया, ओके। उसके बाद अपना इस पे होगा, इसको
इसको करना है स्केच, ओके नॉर्मल। उसके बाद अपना ये कितना था, 100 डायमीटर, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे मैं कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जब मैं कन्वर्ट करूँगा ना तो ये जो है ना, ये ऐसे मतलब पूरा ये सर्कल नहीं लेगा, क्योंकि ये देखो बैंड यहाँ से आके ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, इस तरह से वो कन्वर्ट होगा। तो अपना जो सर्कल है, जो भी वो पाइप बनेगा ना, वो बैंड की तरह से घूम जाएगा इस तरह से, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। एग्जिट, फिर से राइट प्लेन स्केच 10 mm का एक सर्कल ड्रॉ करो। ओके एग्जिट, ठीक है। फीचर में आना है, शिफ्टेड बॉस बेस में डायरेक्शन चूज किया हमने इस तरह से, तो ये रहा आपने। अब आप देखोगे कि इसमें एक छोटा सा वो लगा होता है, क्या रिंग टाइप का वो सर्कुलर लगा होता है, फिर उसके ऊपर ग्लोब होता है। तो उसको कैसे करते हैं, अपने को सिंपल साइज पे आना है, स्केच में स्केच, ठीक ना। अब क्या करना है, कन्वर्ट एंटिटीज इसको और इसको, ठीक। अब यहाँ से एक सेंटर लाइन लेंगे इस पोर्शन से और यहाँ तक, ठीक। इसका डायमेंशन होगा 35, ठीक ना। अब इसके मिड पॉइंट से अपने को वो खींच देंगे, लाइन खींच देंगे सीधा एकदम, ठीक है। और फिर ये वाला एरिया को मिरर कर देंगे किसके, इस लाइन के अबाउट में, ठीक ना। और फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक ना। और जो बच गया, ये वाला जिससे बच गया, इसको ट्रिम कर देगा। तो ये बन गया अपना ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद वो वापस से इसे एग्जिट होना है, एग्जिट होना, फीचर में जाना है। फीचर में जाने के बाद इसके अगेंस्ट में एक प्लेन लेंगे अपन, कितना, 461.97 है, 461.97 का, 461.97, ठीक। और इस प्लेन के ऊपर में फिर एक सर्कल ड्रॉ करना है अपने को, स्केच और ये होगा अपना 310 के आसपास, इसका डायमीटर होगा 310, ठीक ना। ये इस तरह से बस यहाँ से एडिट करना है। एडिट करने के बाद फिर से फीचर में जाना है, शिफ्ट बॉस बेस, ये तो हमारा नहीं, ये होगा हमारा स्केच और ये होगा हमारा डायरेक्शन, ठीक है। और इसमें हम देंगे थिन फीचर थोड़ा सा 0.01, हो गया। तो इस तरह से, ठीक है ना, अपना ये बन गया तैयार है। तो अब आप देखोगे कि इसके इस पोर्शन पे देखना, थोड़ा छोटा छोटा मतलब सर्कल बना होता है, वो उससे सिल्वर कलर का ब्लैक उस पे। तो उसको करने के लिए किसने सिंपल सा फ्रंट प्लेन लेना है अपने को, फ्रंट प्लेन में जाके स्केच में जाना है और स्केच में जाके इसको पहले नॉर्मल करेंगे और नॉर्मल करके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे अपन, 35, ठीक ना। और इसका जो डायमीटर मतलब डिस्टेंस होगा यहाँ से, ये होगा आपको 40, 35 mm, ठीक ना। यहाँ से सिंपल सा अपने को एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद क्या करना, फीचर में आना है और यहाँ देखोगे रैप टैक्स लिखा हुआ, रैप रैप करेंगे यहाँ से, क्या थोड़ा सा कटा होता है, तो ये वाला स्लेट, सेकेंड वाला जो है ना रैप टाइप में, सेकेंड सेलेक्ट करना है अपने को 0.5 mm, यहाँ पे आके बस इस तरह से, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पूरे में घुमा देना है एक ही बार में, फिर वही सर्कुलर पैटर्न पे जाना है अपने को, कुछ नहीं करना, डायरेक्शन में जाके इसको सिलेक्ट कर दो आप, हाँ इसे वो कर दो सिलेक्ट आप, तो कितना 10 चाहिए, हो गया इस तरह से, ये रहा, ठीक। इसके बाद अपन को क्या करना है, ग्लोब बनाना है। उसके लिए सिंपल से क्या करेंगे, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे पार्ट मॉडलिंग में, ओके ठीक। अब क्या करना है, आप लोग को स्केच लेना है फ्रंट प्लेन, उसके बाद अपन सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे एक्सिस के लिए,
फिर एक लाइन लेना है अपने को यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इस लाइन के मिड पॉइंट से अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ से कहाँ तक, अपर किस अपर पॉइंट तक यहाँ तक, ठीक। अब इसको डिफाइन कर देंगे इस लाइन को, ये लाइन हो गया आपका 275.61, ठीक ना। अब जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करेंगे यहाँ से, ओके करेंगे, एग्जिट करेंगे बाहर, फीचर में आना है अपने को, आने का रिवॉल्व बॉस बेस, ये हुआ अपना प्रोफाइल और ये हुआ अपना एक्सिस, ओके ठीक। इसके बाद अपने को क्या करना है, अब देखो कि इसके ऊपर हम एक बॉल की तरह पट्टी लगा होता है, जो बॉल में धागा होता है ना उसकी तरह एक पट्टी होता है, उसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से स्केच में आना है, फिर से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है, स्केच, ठीक ना। अब इसमें अपने को क्या करना है, एक सेंटर रेक्टेंगल लेंगे यहाँ से और ठीक, पहले इसको डिफाइन करेंगे अपन, ये होगा आपका 5 mm और ये हो गया आपको 30 mm, ठीक ना। आप देखोगे उसमें कुछ कुछ लाइनें होती है बीच में, उसको बनाने के लिए सिंपल सा यहाँ से ऐसे जाना है, लाइन कैसे बनेगा वो कर देते हैं हम एक बार। इसको ये होगा आपका 2 mm और यहाँ से यहाँ भी होगा आपका 2 mm, ठीक। उसके बाद इसको सिंपल से क्या करना है, आप लोगों को लीनियर लीनियर पैटर्न करना है इसके अगेंस्ट में, एंटिटीज में इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। अब ये मेरे मतलब इस साइड हो रहा है, हमको इस साइड लेना है, सिंपल सा डायरेक्शन चेंज कर देंगे इसका, दोनों अपने को ये 4 चाहिए मान लो, अभी जैसे बाहर निकल रहा है कुछ ना, इसका स्पेस कम कर देंगे यहाँ से हम 8, ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 7, 7 नहीं 8 ही सही था, 8, 7.5, हाँ ठीक है 7.5, ओके यहाँ से ओके करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करेंगे यहाँ से अपन, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा और ये ट्रिम होगा, ठीक ओके, यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे अपन। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, फिर से राइट प्लेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्केच करेंगे और स्केच करके एक सर्कल ड्रॉ करना है, जितना डायमीटर का हमारा बॉल का सर्कल है उतना डायमीटर, इसका मिड पॉइंट से गिरा, ठीक। उसको इसको डिफाइन कर देंगे अपन, ठीक ना। अब अपन क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे बाहर, एग्जिट होने के बाद फिर से पिक्चर में आना है, स्विफ्ट बॉस बेस, अपना स्केच कौन सा है ये वाला, ठीक, प्रोफाइल कौन सा है ये वाला, ये देखो आप इस तरह से बन के तैयार हो गए, ठीक ना। अब अपने को क्या करना है, इस पे ग्लोब की तरह वो बनाना है, मतलब मानचित्र बैठाना है इस पे, उसके लिए क्या करेंगे अपन, डिकल कमांड का यूज करेंगे। डिकल कमांड का यूज कैसे करते हैं, सिंपल से यहाँ आना है डिकल में, यहाँ पे सेकंड पर्सन को सेलेक्ट करना है, ऐड डिकल में जाना है, ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद सिंपल सा हमने डाउनलोड में रखा पिक पिक पैक ये वाला ओपन करेंगे और ये पोर्शन सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अपन मैपिंग में आना है सीधा, आने के बाद फिट विथ और फिट हाइट यहाँ से ओके कर देगा इस तरह से। अब अपने को इधर भी चाहिए, इसके लिए फिर से वापस से ऐड डिकल ब्राउज में जाना है, डाउनलोड में गया, पिक सेलेक्ट किया, एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैपिंग में आना है फिट विथ फिट हाइट, ठीक। तो इस तरह से आप इसको ओके कर देंगे यहाँ से, ठीक ना। और उसके बाद आप देखो ये जो पोर्शन है ये हमारा, अभी इसको क्या करेंगे हम, फिर से गोल्डन कलर कर देंगे, पॉलिश गोल्डन, वापस से फीचर टूल में जाना है अपने को, इसके लिए यहाँ पे सिंपल सा मेटल में गोल्ड, यहाँ पे पॉलिश गोल्ड, इसको सेलेक्ट करके स्वीप को पूरा सेलेक्ट करेंगे, पॉलिश गोल्ड अप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये इस तरह से होगा, ठीक ना। अपने को क्या करना है, जो पहले बना हुआ है इस पर भी अपन मटेरियल ऐड करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपने को फीचर्स एप्लीकेशन में आना है, डबल क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, मेटल में आना है अपने को, मेटल में आके गोल्ड, मेटल में आया, आने का गोल्ड, गोल्ड सेलेक्ट करके ये वाला जो है ना इस पर अपन करेंगे मैट फिनिश गोल्ड, ठीक,
इसको सिलेक्ट किया लॉफ्टेड को मैट फ्लिस गोल्ड, ठीक। उसके बाद आपका ये वाला पोशन है, इसको भी मैट फ्लिस गोल्ड। उसके बाद जो ये जो अंदर का पार्ट है, ये हो गया अपना सर्कुलर पैटर्न, इसके लिए अपन प्लेटिनम यूज करेंगे। उसके बाद अपना हाँ ये वाला पार्ट, ये और ये तीन, इसके लिए हम करेंगे पॉलिश गोल्ड, ये दिखना भी तो चाहिए बढ़िया। उसके बाद ये इसके लिए करेगा अपन वापस से प्लेटिनम का यूज। प्लेटिनम का यूज उसके बाद हो गया आपका ये, इसके लिए करेगा लीड सिल्वर टंगस्टन, नहीं टाइटेनियम, नहीं आयरन, हाँ मैट फिनिश आयरन। चलिए ये शायद होता है गोल्डन कलर का, तो इसको गोल्डन कर देता है अपन वापस से, ठीक है। और ये वाला ये भी होता है, क्या बोलते हैं आपको, प्लेटिनम का, ठीक। ये इस तरह से होता है, ठीक ना। तो अभी आप देखोगे ये जो वर्ल्ड कप होता है ना, इसके जो रिंग है, रिंग पे लिखा होता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो उसको लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल सा आपने को स्केच में आना, राइट क्लिक प्लेस सेलेक्ट करेंगे, स्केच कमांड, ठीक है, एक्टिवेट हुआ उसका, इसको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद एक सिंपल सा पहले कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेंगे अपन इसके अगेंस्ट में, ये रहा, ठीक। इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे अपन, ठीक ना। इसका डायमेंशन यहाँ से है 576, ठीक है, ठीक ना। इस बात अपन क्या करेगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट कमांड लेगा, इसमें लिखेगा आई सी 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 आर आई सी के ई टी क्रिकेट डब्ल्यू ओ आर एल डी वर्ल्ड कप 2023 INDIA इंडिया। और जो कप लाइन है, कप लाइन में उसको सेलेक्ट करेगा अपन, ठीक। इसके बाद डॉक्यूमेंट फॉन्ट में इसको करेगा अपन 11, सॉरी 12, और यहाँ करेगा कैलिबरी, CALI कैलिबरी, ठीक ना, ओके। और इसको मिड में करने के लिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट करेंगे अपन इधर, ये रहा, ठीक। इसके बाद इसको यहाँ से सिंपल सा एग्जिट एग्जिट होना, यहाँ से एग्जिट होने के बाद फिर वही कमांड यूज करना, क्या, रैप टैक्स, रैप में आना है, और अपने को इसको थोड़ा सा कट करना है। उसके लिए ये एरिया सेलेक्ट करेंगे ये फेस को, और थोड़ा लिटिल बिट टाइम लेगा, ये टाइम लेने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा और टाइम लेगा, तो वो वहाँ पे बन के आ जाएगा आपका, इस तरह से थोड़ा सा कर्व हो जाएगा बन के। अगर मैं प्लेन को पास लेता तो कर्व नहीं आता वो, ठीक। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें, ठीक, इस तरह से अपने को क्या करना है, ये जो बना हुआ है इसके ये तीन साइड में आएगा, उसके लिए सिंपल सा कमांड यूज करना है, पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न यूज करेंगे। डायरेक्शन में आके ये देखो आप, एक मेरे पास सर्कल है, उसको फीचर में आके अपन क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम रैप यूज किया था, रैप इसको करेंगे, तीन चाहिए, तीन किया हुआ 360 में, ओके कर देंगे। लिटिल बिट टाइम लेगा थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है वो आपके सिस्टम पे ऊपर डिपेंड करता है वो कितना फास्ट है, तो इस कारण थोड़ा सा टाइम लेगा, हो गया। तो आप देख सकते हो ये ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। अब क्या करना है, अपने को असेंबल करना है सेम चीज़ को, ठीक ना। तो असेंबल करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा असेंबल कमांड में जाएंगे और असेंबल का यूज करेंगे। तो अपन को असेंबल करने के लिए सिंपल से क्या, कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे, असेंबली में आना है, ओके किया। ओके करने के बाद देखो अपना वो कमांड खुल के आएगा, यहाँ से आप जो पार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे ओपन, ठीक है, यहाँ पे रखा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, फिर से इंसर्ट कंपोनेंट में आना है अपने को, वापस से
ये वाला पार्ट, ठीक है, लाके यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिंपल सा मेट में आके इसको और इसको मेट कर देना है, बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका वर्ल्ड कप, इसको देखिए, सीखिए और बनाइए, जरूर कोशिश कीजिएगा बनाने का, और प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे अच्छे से बनाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही, आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, माँ दुर्गा आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।